हेलो एवरीवन सो टुडे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसको एंड तक देखना और जो भी बातें होंगी ना वो नाइन्टी बातें बिल्कुल नहीं होंगी आपने कहीं किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी ठीक है इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आपने उन सब यू कैन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक दिस इज माई गारंटी ओके तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखना ओके रिगार्डिंग माई सेल्फ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन माई नेम इज अमित खुराना ओके आई हैव सिक्योर्ड ए नाइनटी फोर इन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी आई वॉज सिलेक्टेड इन आई आई टी बॉम्बे

ओके सो रिगार्डिंग आवर सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन इन विच यू विल गेट लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट हर संडे टेस्ट होगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड फैशन में यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा फैकल्टीज आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड और वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फैशन में पढ़ाएंगे अच्छे से बताएंगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एंड सॉन अनलिमिटेड एक्सेस रहता है अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं जितनी बारी चाहे उतनी बारी उसको देख सकते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस चलते हैं जिससे आप रैंक इंप्रूव कर सकते हैं अलग

ओके और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स आपके पास रहेंगे ओके इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ओके सो रिगार्डिंग प्राइस प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 24 फोर मंथ्स के लिए परचेज करते हैं तो 1770 पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा 18 मंथ्स के लिए परचेज करेंगे तो 2065 पर मंथ पड़ेगा एंड सो ऑन जैसे से अगर आप कम मंथ्स के लिए परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली चार्जेस थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज आइकोनिक सब्सक्रिप्शन देन ट्वेंटी मंथ्स के लिए ट्वेंटी पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा ओके एंड सो ऑन यू कैन चेक इट आउट दिस दिसलाइक ओके ठीक है सो नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक गेट एग्जाम लास्ट नाइनटी डेज टिप्स एंड ट्रिक्स ओके सो द वेरी फर्स्ट टिप इज शेड्यूल देखो भाई एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है आपको शेड्यूल अपना बिल्कुल फिक्स रखना पड़ेगा फिक्स टाइम पे सोना फिक्स टाइम पे खाना फिक्स टाइम पे नहाना एक एक चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने बजे सोते हो तो आप जनरली क्या जवाब देते हैं मुझे पता है जो स्टूडेंट जनरली जवाब देते हैं अभी मेरा तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कभी रात को दस बजे सो जाते हैं कभी पढ़ने का ज्यादा मन कर रहा है तो बारह बज जाते हैं और कभी बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं कोई टेस्ट वगैरह दे रहे थे तो रात को दो भी बज जाते हैं और कभी कभी चार भी बज जाते हैं है ना तो ये सब चलता है जनरली स्टूडेंट लाइफ में बट एक्चुअली ये टेक्निक थोड़ी सी ठीक नहीं है अगर आपको कोई शेड्यूल नहीं है सोने का जैसे आप किसी दिन दस बजे सो रहे हो किसी दिन दो बजे सो, सो रहे हो किसी दिन चार बजे सो रहे हो एक बात ये सोचो किसी दिन आप सुबह चार बजे सोए हो अगले दिन गारंटी के साथ में बोल सकते हो आपका दिन बर्बाद है आप नेक्स्ट डे कुछ नहीं कर पाएंगे है ना सारे दिन थकावट रहेगी दिमाग थका थका सा रहेगा, है ना? सिर भारी भारी रहेगा ना, तो चार सो, और उठने का टाइम भी फिक्स रखो दस बजे ग्यारह बजे उठो उसके हिसाब से फिर अपना पूरा दिन चलाओ ऐसे नहीं किसी दिन रात को दस बजे सो गए किसी दिन दो बजे किसी दिन चार बजे इसमें बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का नुकसान होगा ठीक है और उससे ज्यादा ना आपका टाइम बड़ा बर्बाद होगा जैसे आप आज दस बजे सोयो अगले दिन सुबह चार बजे सोयो नेक्स्ट डे फिर रात को दो बजे सोने की कोशिश करोगे ना आपको नींद नहीं आएगी एक घंटा आधा घंटा एक घंटा तो खैर ज्यादा है चलो आधा घंटा लगा लो बर्बाद आप जरूर करोगे सोने में है ना नींद नहीं आएगी इधर उधर लेटे रहोगे बेड पे परेशान पर होते रहोगे और फिर क्या करोगे एट द एंड ऑफ डे मोबाइल चलाओगे यूट्यूब देखोगे या और कुछ करोगे उसमें टाइम बर्बाद होगा आधे घंटे की बजाय आप एक दो घंटे खराब कर दोगे लेटे थे दो बजे और सुबह चार बजे सो रहे हो है तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता चला जाता है। होना क्या चाहिए अगर आपका शेड्यूल फिक्स होगा ना जैसे मैं आपको अपनी बात करूं जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था मेरा रात को दो बजे सोने का टाइम फिक्स था तो फायदा हुआ इससे क्या मेरे को लगभग एक हफ्ता दिक्कत हुई थी मेरे को शेड्यूल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लेकिन जब मेरा शेड्यूल बन गया था ना दो बजे सोने का अराउंड वन वीक मुझे दिक्कत आई थी मैं मानता हूँ उस चीज को आपको भी दिक्कत आएगी लेकिन जब मेरा शेड्यूल बन गया था ना उसका फायदा यह था तो दो बजे में सोता था ना लेटता था बहुत प्रेशर रहता था माइंड पे ऑब्वियसली आपके माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है बिल्कुल गेट नजदीक आ रहा है टाइम बहुत कम है माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है उसके बावजूद दो बजे में लेटता था मैक्सिमम दो पांच या दो दस तक मुझे नींद आ जाती थी तो पांच से दस मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे नींद आ जाती थी ना लेकिन अब आप सोते हो तो मुझे पता है फिर नींद नहीं आती एक बजे सोए हैं तो रात को लगभग दो ढाई जाके नींद आएगी है ना एक घंटा डेढ़ घंटा बीच में खराब तो ये जो बफर है ना ये ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ठीक है तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो टाइम एकदम फिक्स रखो और सुबह उठने का टाइम भी फिक्स रखो जैसे मैं रात को दो बजे सोता था और सुबह आठ साढ़े आठ बजे तक उठ जाता था ठीक है और मेरे को लगभग जैसे मैंने आपको बताया वन वीक मेरे को परेशानी हुई थी सुबह उठते टाइम मेरे को दिक्कत महसूस होती थी आठ साढ़े आठ बजे लेकिन उसके बाद जब एक हफ्ता बीत गया उसके बाद मेरी अपने आप से नींद खुलने शुरू हो गई थी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा सबसे बड़ा टॉर्चर पता है क्या होता है शायद आप भी मेरी इस बात को मानेंगे अलार्म से उठना है ना अलार्म लगाया और आपने आप, सुबह छह बजे का अलार्म लगाया लेकिन वो सबसे बड़ा टॉर्चर है अलार्म उठते ही फटाफट फट स्नूज करेंगे दस मिनट फिर सो जाएंगे फिर फिर अलार्म बजेगा फिर दस मिनट स्नूज करेंगे फिर सो जाएंगे एंड सोन लगभग आधा पौना घंटा आप इसमें खराब कर देते तो हो इस बात को समझो ठीक है तो अलार्म से उठना ही नहीं है ये आदत ही हटाओ अपनी तो कब हटेगी जब एक फिक्स शेड्यूल रहेगा रात को दो बजे सोए सुबह आठ साढ़े आठ बजे तक उठ जाओ ठीक है मेरा ये शेड्यूल था आपका जो मन करता है आप करो मेरे को रात में पढ़ने में अच्छा लगता था लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है एंड सॉन मैं देखो फ्रेंकली बोलता हूं सब बकवास है आप अपने हिसाब से देखो आपकी बॉडी किस टाइम पे एक्टिव होती है काफी लोग होते हैं जिनकी बॉडी रात को एक्टिव रहती है काफी लोग होते हैं जिनकी मॉर्निंग में बॉडी एक्टिवेट रहती है तो आप देखो आपके अंदर एनर्जी किस टाइम पे बहुत ज्यादा रहती है अगर आपको लगता है कि आपके अंदर रात में ज्यादा एनर्जी है तो रात को पढ़ाई करो अगर आपको लगता है दिन में ज्यादा एनर्जी है तो दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो और दिन में मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठने की तैयारी करो ठीक है तो इट्स ऑल अप टू यू जैसे भी है मेरा जो मेन एम है आपको समझाने का वो ये है कि जी फिक्स शेड्यूल बनाओ ठीक है एक शेड्यूल एकदम फिक्स रखो भाई रात को कितने बजे सोना है फिक्स शेड्यूल सुबह कितने बजे उठना है फिक्स शेड्यूल एकदम फिक्स अलार्म से नहीं उठना हफ्ता एक दिक्कत होगी मैक्सिमम उसके बाद आपकी एक फिक्स रूटीन बन जाएगी एक मशीन की तरह आपका दिमाग चलेगा मशीन की तरह जैसे लेट हो गए इमीडिएटली माइंड सिग्नल देगा ना आपको कि हाँ भी ठीक है अब टाइम हो चुका सोने का मेरे को दो बजते ही माइंड पे सिग्नल आ जाता था बस बहुत हो गया आप सो जाना है बस मैं लेटता था पांच से दस मिनट के अंदर नींद ऐसे ही आपके साथ ऐसे होगा जैसे आप लेट हो गए इमीडिएटली आपको नींद आ जाएगी और सुबह आठ सवा अपने आप से आपकी नींद भी खुल जाएगी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी ठीक है इनफैक्ट ये ये रिसर्च भी बताती है ठीक है आप आप जितने जितने भी 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 बड़े बड़े को को देखेंगे जितने भी लोगों को आप देखेंगे लोगों जो सेलिब्रिटीज हैं सबका एक फिक्स शेड्यूल होता है आप किसी से पूछो आप, आप आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे फाइव ए एम क्लब फोर ए एम क्लब है ना सिक्स ए एम क्लब क्लब्स बना रखे हैं हमें बिलीनियर्स ने कि पांच बजे कौन कौन उठता है छह बजे कौन कौन उठता है चार बजे कौन कौन उठता है एंड ऑन तो हर एक इंसान का एक फिक्स शेड्यूल रहता है और डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस याद रखना अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा ठीक है है तो डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत जरूरी है, एक फिक्स टाइम पे उठना है फिक्स टाइम पे सोना है फिक्स टाइम पे उठना है अच्छा खाने का टाइम भी हो सके तो फिक्स कर लो सुबह दस बजे ब्रेकफास्ट जैसे मेरा शेड्यूल था सुबह दस बजे ब्रेकफास्ट दोपहर तो को दो बजे के आसपास लंच और रात को आठ बजे के आसपास डिनर ये मेरा फिक्स शेड्यूल था आप भी अपना टाइम फिक्स रखो इससे फायदा क्या होगा आप जैसे देखो आप आप कंफ्यूज रहोगे ना जैसे दस बज गए भूख लग रही है फिर भी आप बैठे हो पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं नीचे आप ऊपर आप पढ़ रहे हो नीचे मम्मी आवाज उगा आज बेटा खाना खा ले बहुत टाइम हो गया क्या कर रहा है अब बोलोगे अच्छा आ रहा हर स्ट्रेस पैदा होगा इससे है ना तो चलो चलो नीचे जाना है मम्मी बुला रही है तो फिर जो भी आप टाइम लगाओगे ना यहाँ बैठ के अपना काम करोगे दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट वो बर्बाद है उसमें कुछ नहीं निकलने वाला क्यों क्योंकि आपके दिमाग पे स्ट्रेस है नीचे जाना है और खाना खाना है

मैं आपको एक बात बताता हूँ जब आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा ना अपने आप हाँ, दस बजे आपको भूख लगेगी एक डेढ़ बजे जैसे खाना खाना है अपने आप हाँ, आपको एक डेढ़ बजे भूख लग जाएगी और रात को भी अपने आप हाँ लग जाएगी आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि यार भूख नहीं अभी नहीं खाते बाद में खाएंगे एंड सोन भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती भाई एक बात याद रखना कभी भी भूखे पेट काम मत करना टॉर्चर करोगे ना कोई फायदा नहीं होगा लाइफ में ठीक है आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे ये कोई आपका बीटेक का एग्जाम नहीं है जो आज आप बैठे हो तैयारी करने के लिए और कल अपना पेपर देके और अपना छुट्टी उसके बाद सारा चाहे कुछ याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता बीटेक में तो ऐसे ही होता था कल पेपर है आज मैं भी इंजीनियर हूँ आप भी इंजीनियर हो सबको पता है कौन क्या करता है है ना लास्ट डे लास्ट नाइट स्टडी होती है चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई कैसा भी स्टूडेंट हो लास्ट नाइट स्टडी करनी होती है आखिरी रात पढ़ाई करी पूरी पूरी रात जागे राधर एक या दो रातें जागे अगले दिन जाके पेपर दे पेपर देने के बाद कुछ भी याद नहीं है ए बी सी डी भी नहीं आती हुई सब्जेक्ट की क्या था और क्या नहीं था ऐसा तो नहीं करना ना आपको है ना पूरी तैयारी करनी है ना आराम से तो तसली से काम करो ठीक है जल्दबाजिया मत करो और जबरदस्ती के अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो ठीक आई थिंक में आ जाओ सबको फिक्स शेड्यूल की बहुत ज्यादा वैल्यू है भी। जितने भी बिलियनियर्स को देखोगे जितने भी लोगों को आप लाइफ में देखोगे जो भी सक्सेसफुल हुए हैं उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है कितने बजे सोना कितने बजे उठना कितने बजे खाना खाना एंड सॉन्ड एक मशीन की तरह वो चलते हैं आप भी एक मशीन की तरह चलोगे और एक बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मेरे को उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ नहीं मेरी रैंक आएगी कि नहीं पता नहीं मेरा कुछ बनेगा या नहीं एंड सॉन्ड ढीले ढाले थके हारे परेशान रहते हैं ये सब टेंशन दिमाग से निकल जाएगी अगर आपका फिक्स शेड्यूल होगा तो एक मशीन कितना काम करोगे सुबह उठोगे उठते ही आपका शेड्यूल सेट जो जो काम करना है एंड सो ऑन है ना और उसके बाद आ, पूरा दिन भर आप काम करेंगे टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने के है, कुछ समझने का है ना भूख लगेगी खाना खाओगे बॉडी कहीं टॉर्चर हो नहीं रही कहीं कोई टेंशन ही नहीं दिमाग में ठीक है तो प्लीज एक शेड्यूल बना के चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैंने काफी टाइम लगाया है बट क्लियर हो गया होगा सबको ओके नेक्स्ट स है डू नॉट टॉर्चर ये बात बहुत है आप समझ पा रहे होगे भाई अगर आप अपने आप को टॉर्चर करके काम करोगे ना उसका कोई फायदा नहीं है आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे जैसे भूख लग रही है फिर भी काम करते जा रहे हो माइंड आपका ज्यादा चलेगा नहीं टाइम बर्बाद होगा नींद आ रही है झटके आ रहे हैं फिर भी पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो परेशान हो जाओगे कोई फायदा नहीं है आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे ठीक है जब मन कर रहा है जब दिमाग चल रहा है उस टाइम पे आपको काम करना है ठीक है अगर आपको आप वीडियोस देखे कि मॉर्निंग में उठ के काम करना चाहिए मॉर्निंग में उठ के काम करना चाहिए लेकिन आप मॉर्निंग में एक्टिव ही नहीं रहते सुबह उठ के चार बजे बैठे पढ़ने के लिए झटके आ रहे नींद आ रही है परेशान हो रहे है क्या फायदा है उसे कोई आउटपुट नहीं निकलेगा ठीक है तो टॉर्चर करके अपने आप को काम नहीं करना ओके जितना सहज तरीके से जितना ईजी आप काम कर सकते हो दैट इज मोर देन ओके ज्यादा जबरदस्ती का अपने आप को दिमाग पे जोर डालना जबरदस्ती का परेशान करना वो सब बंद कर दो आराम से इजी लाइफ इजी वे में काम करो टाइम अभी है नो no डाउट कम है डेज डेज कम कम है है बट स्टिल अब 90 कम नहीं होते है ना मतलब इन द सेंस महीने लगभग लगभग लग, आपके पास तो इस टाइम पे अगर अभी से आप आप अपने को टॉर्चर करोगे तो नाइन्टी डेज तक कैसे चलोगे बीमार हो जाओगे परेशान हो जाओगे ठीक है तो टॉर्चर मत करो जितना इजी वे में आपसे काम होता है आप उतना काम करेंगे जबरदस्ती का दिमाग अपना पे जोर नहीं डाला ठीक है आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है जी थर्ड टिप है जी हमारे पास ईटिंग हैबिट्स ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इस पर स्टार मार्क करूंगा ठीक है जो कि आजकल के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करूंगा ईटिंग हैबिट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईटिंग हैबिट खराब है कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है खराब कैसे बर्गर पिज्जा चौमिन कोल्ड ड्रिंक ये सब लेना है अगर आप इस टाइम पे ये सब खाएंगे ना एक बात ये सोचो अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा पता है एक हफ्ता चुटकी बजा के निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा और उसके बाद रिकवरी का टाइम तो अलग और ये इतना क्रूशियल टाइम है अगर इस टाइम पे आप बीमार हो गए समझ लो भाई गेट एग्जाम गया बीमार होने का मतलब आपका करियर बिल्कुल खत्म होने पे हो जाएगा तो इस टाइम पे ये गलती मत करो उल्टे सीधे चीजें खाना और ये सब करना बिल्कुल बंद करो सिंपल घर का खाना खाओ दाल रोटी सब्जी ये सब पे ध्यान लगाओ जबरदस्ती के प्रॉब्लम्स में आपको नहीं फंसना ठीक है एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने आई एम यूजिंग द वर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स चलो ये अच्छा है आज ये खा के देखते हैं ये नया है चलो आज ये करते हैं एंड सॉन so बेशक से अपने पेरेंट्स को भी अपनी मम्मी को भी समझा दो कि ये जो 90 डेज है ना इसमें मेरे को बिल्कुल सिंपल खाना खाना है मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला आपको नई चीज बनाओ और मैं खाऊं और कुछ दिक्कत होगी तो नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा ठीक है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल ईजी चीजें जो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए वो सब खानी है जबरदस्ती का बाहर से कुछ ला खाना और वो सब नहीं करना बीमार हो जाओगे दिक्कत में आ जाओगे और ये ये सब बातें ना देखो बहुत बेसिक सी हैं आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत बेसिक बातें हैं बट बहुत जरूरी हैं ताकि बैक ऑफ द माइंड में आपकी चली जाए क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया कल को जब आप कुछ उल्टा सीधा खाने की कोशिश करोगे तो एटलीस्ट मेरी बात याद आएगी और आप शायद स्टॉप कर जाओगे है ना और शायद वो चीज खराब हो और आप खा लो तबीयत भी खराब हो सकती है तो समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो प्लीज इसको आराम से समझो और बैक ऑफ द माइंड में फीड करो सारी बातें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो जाए आपसे ठीक है आप सब कुछ छोड़ो एक सिंपल बात मैं आपसे करता हूँ राधर देखो जो ईटिंग हैबिट्स है ना मैं उस पर बात करता हूँ थोड़ी सी आपने किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखा है कभी आपने सुना है रतन टाटा ने मैगी खाई बीमार हो गया पेट में प्रॉब्लम हो गई और वो एडमिट है या मुकेश अंबानी ने कुछ खाया ऐसा पेट खराब हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई एडमिट है कभी नहीं सुना होगा सुनोगे भी नहीं लाइफ में वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी अपनी हेल्थ का और हर एक एक चीज का एक एक चीज वो बहुत ध्यान से खाते हैं तो प्लीज आपको भी इस टाइम पे ऐसा कर लो नाइन्टी डेज कर लो उसके बाद जो मन करे आप वो करना आप फ्री हो मेरी तरफ से बट प्लीज इस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो ठीक है ओके तो जैसे एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं मैंने एक वीडियो देखा था रतन टाटा सर ने बोली थी एक बात ईट योर फूड लाइक अ मेडिसन अदरवाइज़ यू विल ईट मेडिसन एज यूर फूड बहुत बड़ी बात है और बहुत में बात है। इसको ध्यान से प्लीज ध्यान रखो भाई खाने पीने का इस टाइम पे बीमार हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है ओके फोर्थ टिप है भाई स्टॉप ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग बंद करो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना कि मेरी रैंक ना आई तो क्या होगा है ना मेरे तो अभी मेरे को तो ये ये भी याद नहीं आ रहा अब मैं क्या करूंगा है ना जैसे एग्जाम में नंबर गेट मॉक टेस्ट चल रहे होंगे आजकल है ना टेस्ट सीरीज आप लोग दे रहे हो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ गए पता नहीं मेरा क्या बनेगा मेरी रैंक आएगी नहीं पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में या नहीं पता नहीं मेरे को ये जो भी मेरा ड्रीम कॉलेज है वो मिलेगा या नहीं एंड सॉन पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते हैं दिमाग में इन सब थॉट्स को निकालो दिमाग से

बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और पता है ये सब उल्टे सीधे ख्याल ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ पता है कब आते हैं रात को सोते टाइम जब नींद नहीं आ रही होगी ना तो फिर उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे है ना फिर पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या नहीं क्या होगा एंड सॉन् तो वो सब होगा ही नहीं ना जब आपका फिक्स शेड्यूल होगा जैसे मैंने आपको बताया था मैं दो बजे मेरे को भी आते थे ख्याल भाई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है मेरे को भी आते थे है ना तो मैं फिर मैंने क्या किया अपना शेड्यूल फिक्स रखा रात को दो बजे सोना है तो सोना है हफ्ता एक दिक्कत आई उसके बाद दो बजे में लेटता था दो पाँच दो दस तक नींद आ जाती थी सोचने का टाइम ही नहीं है ना सोचोगे देखो जब आप खाली बैठोगे तभी कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट्स आएंगे ना आप अपने आपको खाली रखते क्यों हो पूरा दिन तो आपका बिजी चलेगा फिक्स टाइम पे उठना है फिक्स टाइम पे सोना है फिक्स टाइम पे खाना है एक एक चीज एक एक बात फिक्स रहेगी आपकी टाइम टेबल मैं नहीं कह रहा कि टाइम टेबल बना के चलो टाइम टेबल तो बड़ा मुश्किल होता है बनाना मेंटेन करना और उसके बाद उस पर मतलब ओबे करना एंड सो सुनो डिफिकल्ट हो जाता है एक बैक ऑफ द दाइंड में टाइम कुछ कुछ बातों का फिक्स रखो बेसिक बेसिक चीजों का टाइम फिक्स रखो तो बहुत कम टाइम बचेगा आपके पास जिसमें आप खाली हो गए so बंद हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये थॉट्स आपको बहुत खराब करेंगे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं भाई अगर आप स्ट्रेस में है ना मैं नहीं बता रहा ये रिसर्च बता रही है स्ट्रेस में है तो आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट चलेगा 10%, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ टेन परसेंट मतलब अगर आप ओवर थिंकिंग करते जाएंगे आपका दिमाग पे टेन परसेंट चलेगा नाइनटी परसेंट ही चलेगा तो, तो उससे क्या होगा एक विशेष सर्कल तरह है ये उससे क्या होगा जैसे आप बैठे हैं टी पढ़ रहे हैं ओवर थिंकिंग करते दिमाग में अच्छा डिजिटल में यार वो नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम है ना ये चीज मेरे को शायद याद नहीं आ रही बस वहां दिमाग गया परेशान हो स्ट्रेस आया खत्म कहानी टीओसी भी गया जो पढ़ रहे थे वो भी खत्म डिजिटल में जो दिमाग गया वहां वो भी याद नहीं आया वो भी खत्म बैठ के सब कुछ बंद करके हाथ लग के ओहो अब क्या करें है ना तो ये सब प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल यही है सारा काम फिक्स शेड्यूल के हिसाब से आपको करना है ठीक है आई थिंक आप समझ पा रहे हो और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना भाई स्ट्रेस को जितना हो सके अवॉइड करो जब भी स्ट्रेस आने लगे इमीडिएटली सोच लो भाई मेरा ही नुकसान है इसमें कोई फायदा किसी का नहीं है जो मेरा काम है मैं वो काम कर रहा हूँ बस मेरा काम क्या है पढ़ना मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ नहीं करना ठीक है आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जी फिफ्थ टिप है हमारी एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन हर्ट्स ओके एक्सपेक्टेशन हर्ट्स से मेरा मीनिंग क्या है देखो स्ट्रेस आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है टेस्ट सीरीज आपने दी आपने कोई टेस्ट दिया नंबर बहुत कम आए है ना और फिर आप परेशान हो गए क्यों परेशान हुए कारण समझ में आ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे से फिफ्टी मार्क्स आएंगे बट आपके आए थर्टी ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिना एक्सपेक्टेशन के टेस्ट दोगे तो मुझे बताओ कहाँ से स्ट्रेस आएगा थर्टी मार्क्स आए तो भी खुश ट्वेंटी मार्क्स आए तो भी खुश फिफ्टी मार्क्स आए तो भी खुश कोई टेंशन वाली बात ही नहीं जबरदस्ती की क्यों एक्सपेक्टेशन अपने आप से आप लगा के रख रहे हो अभी आएंगे ऑन द कॉन्ट्री अगर आप अभी सोच के बैठ गए टेंशन में तो सोचा था साठ नंबर आने चाहिए मेरे और मेरे नंबर आ रहे हैं तीस और मैं तो फंस गया मैं तो कुछ कर नहीं सकता स्ट्रेस में आगे दो तीन दिन खराब कर लोगे सिर्फ मिलेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन ऑन द अगर आपने कुछ ना 30 आते, दिन आप तो ना करते, उसको के करते और कुछ तैयारी करते है और स्ट्रेस कैसे हटाना है वो मैंने आपको समझा दिया एक तो शेड्यूल अपना फिक्स रखो जहां पे आपको टाइम ही ना मिले कुछ सोचने का और दूसरी चीज जबरदस्ती की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं रखने ठीक है अच्छा रिवीजन करने बैठे डिजिटल उठाया आपने टॉपिक उठाया से बंद, टेंशन, मत सोचो मत करो, लो और देख लो हाँ जी ठीक है जी इसमें चार गेट लगते हैं ठीक है जी चार गेट मैंने लगाए हैं सोन आई थिंक आप समझ रहे हो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना अपने आप से ठीक है जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे उतनी ज्यादा टेंशन में आओगे और उतने ज्यादा आप परेशान हो जाओगे ठीक है तो बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ फिलहाल आप टेस्ट देंगे और बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ आप रिविजन करेंगे ठीक है पूरा दिन में आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं इवनिंग में करने के लिए बैठे और रिविजन करते टाइम स्ट्रेस कब बनेगा जब आपने एक्सपेक्ट किया आपने आपसे कि मेरे को चीज याद आनी चाहिए थी लेकिन वो याद नहीं आई तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा एक्सपेक्ट ही मत करो ना जितना याद आया ठीक है नहीं याद आया तो पढ़ लिया क्या टेंशन है अभी तो नाइनटी डेज है अभी कौन सा कल आपका गेट एग्जाम है कल गेट एग्जाम हो तो मैं आपकी बात मानता हूं परेशान हो गए अभी क्यों परेशान हो रहे हो ठीक है टाइम बहुत है नो डाउट वही बात है आपको लगेगा कि बहुत क्या डेज ही हैं, बट स्टिल आप, आप अपने बीटेक के एग्जाम से इसको कंपेयर करके देखो लास्ट नाइट स्टडी करते थे आप लोग है ना और इतने रेगुलर स्टडी करते थे तो इस हद तक अगर आप अपने आप को फिलहाल टॉर्चर करेंगे तो आप फंसोगे नाइनटी डेज इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है तो आराम आराम से धीरे धीरे चलने दो

स्ट्रेटेजी के बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके लिए एक, एक बना के जरूर दूंगा लेकिन बेटर और सबसे बेस्ट क्या है आप अपने हिसाब से अपनी खुद प्लानिंग करो क्या करना है कितना करना है कितने टेस्ट देने हैं जो कुछ है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी प्रॉपर प्लानिंग करो किस टाइम पे क्या पढ़ना जैसे मॉर्निंग में आप जैसे देखो होगा क्या ना अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी तो सुबह उठोगे सोचोगे चलो तो टीओसी पढ़ लेते हैं पढ़ते पढ़ते मन थोड़ा सा हट गया छोड़ दिया चलो डिजिटल डीजि पढ़ लेते हैं डिजिटल नहीं, नहीं थी है, 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 लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी सुबह दस से ग्यारह मेरे को टीओ पढ़ना है ग्यारह से बारह मेरे को डिजिटल पढ़ना है बारह से एक मेरे को कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखना है एक से दो मैं लंच के लिए रखूंगा दो से तीन मैं टेस्ट दूंगा डिजिटल का तीन से चार मैं टेस्ट दूंगा टीओसी का चार से पांच मैं थोड़ा सा अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिवाइज करूंगा है ना ऐसे ऐसे करके अगर आपने प्रॉपर शेड्यूल बना रखा होगा तो टाइम ही नहीं है कुछ करने का है ना मतलब कुछ सोचने का और कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आने का कुछ है ही नहीं और विदाउट एनी फियर विदाउट एनी विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर इन योर माइंड आप दिन भर मशीन की तरह अपना काम करते चले जाएंगे ठीक है तो यही सबसे बेस्ट वे है और ये सब कुछ कैसे मिलेगा आपको प्लानिंग से मिलेगा ठीक है प्लान प्रॉपर बना के चलना एकदम क्रिस्टल क्लियर प्लान होना चाहिए वो आपकी मर्जी है देखो आ, मेरे हिसाब से तो नेसे 90 डेज हैं एक प्रॉपर 90 डेज का प्रॉपर गोल बना के चलो उसके बाद मंथ का एक जैसे अब ये नवंबर का मंथ चल रहा है इसमें मेरे को क्या करना है दिसंबर में क्या करना है जनवरी में क्या करना है ये सब कुछ आपका होना चाहिए उसके बाद फिर वीकली प्लान होना चाहिए कि इस वीक में मेरे को क्या-क्या चीजें कवर करनी है और एक डे वाइज प्लान होना चाहिए डे वाइज प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं इसको बेशक से लिख भी देता हूं डे दे प्लान डे प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिना डे प्लान के मत चलना भाई ठीक है बहुत दिक्कत हो जाएगी मैं अपना भी एक प्रॉपर गेट प्लान डे प्लान बना के चलता था प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया ना मैं प्रॉपर ऐसे बना के चलता था कि जब वो आपकी मर्जी है सुबह उठ के बनाओ या रात को सोने से पहले बनाओ आज का दिन पूरा आपने कंप्लीट कर लिया तो आज रात को बना लो या मॉर्निंग में उठ के उसको बना लो मैं रात को सोने से पहले बना के सोता था दो बजे जैसे मेरे सोने का टाइम होता था डेढ़ बजे मैं अपनी किताबें सब कुछ बंद कर देता था आधे घंटे के अराउंड मैं आराम से बैठ के सोचता था कि मेरे को क्या क्या करना है नेक्स्ट डे में है ना एक एक घंटे के स्लॉट्स में बना के चलता था आपकी मर्जी है एक घंटे का स्लॉट बनाओ आधे घंटे का स्लॉट बनाओ 45 फाइव मिनट्स का स्लॉट बनाओ जो आपका मन करता है वैसे बनाओ मैं एक एक घंटे का स्लॉट प्रॉपर बना के रखता था टीओसी पढ़ना है फिर डिजिटल पढ़ना है फिर नेटवर्किंग पढ़ना है कंपाइलर पढ़ना है 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 ना उसके बाद फिर एक टेस्ट लिखना है। ऐसे सब मिक्स प्रॉपर मिंगल आप मिक्स करके एक एक चीज मिक्स करके चलना जैसे प्रॉपर जैसे तीन चार घंटे में थ्योरी पढ़ ली टीओसी पढ़ लिया डिजिटल पढ़ लिया ओएस पढ़ लिया नेटवर्किंग पढ़ लिया उसके बाद लंच कर लिया लंच के बाद फिर वही बात है थोड़ा सा लग रहा है कि थकान है या कुछ जो भी है टेस्ट ले लिया ठीक है एक दो टेस्ट टेस्ट सीरीज के दे दिया आपने जैसे ओएस का टेस्ट दे लिया डिजिटल का टेस्ट दे दिया जो आपका मन करे है ना वो प्रॉपर पहले प्लान करके सोना है कि मेरे को अगले दिन कौन 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 सा टेस्ट देना ताकि टेस्ट के बारे में सोचना ना पड़े टेस्ट सीरीज में तो बहुत सारे टेस्ट होंगे सब कुछ आपके पास अवेलेबल है चलो ओएस का दे लेते हैं नहीं नहीं चलो आज डिजिटल का दे देते हैं नहीं नहीं चलो आज ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं उससे सारा टाइम बर्बाद होता है प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलो ठीक है टेस्ट दे लिया टेस्ट के बाद थोड़ा थोड़ा सा रिविजन कर लिया रिविजन के बाद थोड़ी सी एनर्जी बची है तो कुछ और पढ़ लिया या कोई और टेस्ट दे लिया जो आपका मन करे मतलब पूरा दिन आपको बिजी रखना है और ये मेरे से मत पूछना भाई कितने घंटे देने हैं आप है आपके ऊपर है जितना आपके अंदर जितना आपके अंदर जोर है सब लगा दो ठीक है टाइम टाइम बहुत कम है ठीक है इस टाइम पे जितना आपके अंदर स्टेमिना बट साथ साथ टॉर्चर नहीं करना ठीक है बिना टॉर्चर किए जितना इजी वे में आप जितना बैठ सकते हो जितनी सीटिंग दे सकते हो उतनी सीटिंग दे लो आप पार उतर जाओगे ठीक है बट वेस्ट मत करना टाइम जबरदस्ती का और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर डे प्लान बना रखा है तो ठीक है फुल टूस बिजी रहेगा दिन तो आपको कोई प्रॉब्लम तो वाली बात ही नहीं है ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू सो मच ओके सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल हेयर इज द लिंक ओके यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे है ना जो भी लाइव क्लासेस हो रही हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं डे टू डे डाउट्स वो भी सब सॉल्व किए जाते हैं पे प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है जो भी स्टडी मटेरियल है गेट से रिगार्डिंग वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा ठीक है ओके तो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक आवर प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी वीकली टेस्ट मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो गई है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप uh, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी बारे बार देख सकते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस हैं क्रैश कोर्स हैं क्रैश से आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस में अलग अलग टाइप के नए नए क्वेश्चन करा जाते हैं थ्योरी अलग तरीके से पढ़ाई जाती है जिससे आप अपने रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं ओके okay? और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको एक पर्सनल कोर्स दिया जाएगा जो कि आपके डेडिकेटेड डाउट्स को क्लियर करेगा है ना मतलब जो भी डाउट्स हैं वो डेडिकेटेडली आपके लिए स्पेशल एजुकेटर रहेंगे जो आपके क्लियर करेंगे ओके स्टडी मटेरियल दिया जाएगा है ना स्टडी प्लानर रहेगा स्टडी बूस्टर सेशन रहेंगे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस रहेगा है ना जो भी आपके टेस्ट हैं आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं क्या कर है एंड सो ऑन प्रॉपर पर्सनल अटेंशन के थ्रू आपको सब किया दिया जाएगा ठीक है ओके सो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ के लिए लेंगे तो 1770 हंड्रेड सेवेंटी पर मंथ से uh... पे आप ले सकते हैं और जैसे मंथ अगर आप कम लेंगे तो ऑब्वियसली चार्जेस थोड़ थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं ऐसे ही आईकोनिक सब्सक्रिप्शन है 24 फोर मंथ्स के लिए अगर आप लेंगे तो 2775 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा और अगर आप कम मंथ्स के लिए परचेस करेंगे तो चार्जेस थोड़े से ज्यादा होंगे ठीक है तो ये सब आप स्लाइड्स uh, में चेक कर सकते हैं ठीक okay, है ओके चलिए ठीक है थैंक यू सो मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक like करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ओके थैंक यू सो मच बाय